हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदाम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया लिंक, टिप्स एंड टिप्स टू ऑल इंडिया लिंक। फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पे आप नया विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो लिंक को कॉपी कर लीजिए और आपका फ्रेंड सर्कल पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल में नया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना बात करवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक के बारे में बताऊंगा उस टॉपिक के बारे में पहले मैं डिटेल्स आपको बता देता हूँ। कीबोर्ड की फंक्शन की के बारे में मैं बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आप कंप्यूटर का कीबोर्ड यूज़ करते हैं तो आप देखा है कि कीबोर्ड का ऊपरी भाग पर बहुत सारे की होता है, F1, F2, F3, F4, F5, F3, F6, F7 या फिर F8 या फिर F9 या फिर F10 या फिर F12। तो इस तरह बहुत सारे की होता है, तो पर्टिकुलरली इस F1 से F12 तक की के बारे में मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो पर बने रहिए, मैं एक एक करके सारे की का काज बताऊंगा। F1 क्या काज करते हैं, F2 क्या काज करते हैं। हाँ, अब बट वीडियो में कोई भी वॉयस नहीं मिलेगा, मैं एक एक चीज़ को मैं टाइप करके स्क्रीन पर शो करूँगा। तो वीडियो को देखते रहे, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। चैनल में नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप का और भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन आती है उसको दबा दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू। गुड बाय।